हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सीमा गुप्ता, स्त्री एंड प्रसूति रोग विशेषज्ञ एट जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। आज हम बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे कि किन किन परिस्थितियों में सीजरन डिलीवरी करवानी पड़ती है। मतलब हर पेशेंट का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि मैडम मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा या सीजरन होगा। एंड तक आते आते हर पेशेंट हमसे यही क्वेश्चन पूछता है। तो आज हम पहले ये चर्चा करेंगे किन किन परिस्थितियों में हमें प्लान सीजरन करना होता है और किन किन परिस्थितियों में हमें इमरजेंसी सीजरन करना होता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि सीजरन डिलीवरी होती क्या है। सीजरन सेक्शन पेट पर चीरा लगाकर और बच्चेदानी पे चीरा लगाकर बच्चे की डिलीवरी करवाना ही सीजरन सेक्शन कहलाता है। अब हम चर्चा करते हैं कि पहले से हम प्लान किस में सीजरन कर सकते हैं। तो अब हम चर्चा करते हैं कि सबसे पहला मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है कि किफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, मतलब जिस पैसेज के थ्रू बच्चे को गुजरना होता है, जिस हड्डी के थ्रू बच्चे को गुजरना होता है, वो हड्डी सकरी है या कम चौड़ी है या बच्चा का सर बड़ा है जो उसके अंदर फिट नहीं हो सकता, तो इसको हम सिफेलो पेल्विक डिस्प्रोपोर्शन बोलते हैं। या नीचे का हड्डी सकरी है तो उसको कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस बोलते हैं। तो ऐसे में बच्चा नीचे से नहीं गुजर पाएगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो ऐसे में हम पेशेंट को पहले ही बता देते हैं कि भाई आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता, आपका सीजरन होगा। दूसरा मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब जो बच्चे की अवल नाल होती है वो गर्भाशय के मुख पर पूरी कवर की हुई होती है। ऐसे में अगर बच्चा आएगा नीचे तो सबसे पहले इस अवल नाल को निकलना पड़ेगा, जिसमें बहुत ही सीवियर ब्लीडिंग का चांस रहता है। ऐसे में माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तीसरा मोस्ट कॉमन कारण क्या हो सकता है कि जिस पैसेज के थ्रू बच्चे को गुजरना है उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब उसमें कुछ अड़चने हैं या रुकावट है, जैसे यूट्रस में कोई गांठें होना जो कि उसके रास्ते में आ रही है, या गर्भाशय के मुंह का कैंसर होना, या वेजाइना में कुछ सिस्ट होना। ये सब कारण होते हैं कि जो उसमें ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो बच्चा उसके थ्रू डिलीवर नहीं हो सकता। तो हमने अब तक देखा कि भाई पैसेज में क्या क्या गड़बड़ हो सकता है, भाई नीचे का कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो, या बच्चे का सर ज़्यादा बड़ा हो जो उसके अंदर से पास नहीं हो सकता, या प्लेसेंटा सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया हो, या हम उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो जो बच्चे में जब पास होने में रुकावट हो, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब हम बात करेंगे कि बच्चे में क्या क्या गड़बड़े हो सकती है या बच्चे में क्या स्थिति हो सकती है जिसमें हमें पहले से ही प्लान करना होता है कि सीजरन होगा। तो एक तो सबसे पहला कारण होता है कि बच्चा उल्टा हो, जिसे हम ब्रीच बोलते हैं, या बच्चा ट्रांसवर्स या ऑब्लिक लाई हो, मतलब आड़ा हो या तिरछा हो, तो ऐसे में भी बच्चा नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता। अगर हम उल्टे बच्चे को नॉर्मल डिलीवर कराते हैं तो उल्टे बच्चे में क्या होता है कि पहले पैर आते हैं फिर उसके बाद लास्ट में सर आता है, तो सर अटकने का डर रहता है जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी कराना मुश्किल होता है, तो बच्चे की जान को खतरा रहता है। तो ऐसे में रिस्क नहीं लेते तो नॉर्मल डिलीवरी ना करा के सीजरन ही प्रेफर करते हैं। अगला कारण क्या होता है कि जो बच्चे की चारों तरफ का जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है या कम हो गया है, तो ऐसे में बच्चे का नीचे सरकने में मुश्किल होता है, बच्चा घूम भी नहीं पाता ना नीचे सरक पाता है, बच्चे की धड़कन कम होने का डर रहता है। तो ऐसे में हम नॉर्मल डिलीवरी ना प्रेफर करके सीजरन ही प्लान करते हैं। अगला कारण है कि बच्चा बहुत ही अविकसित हो, जिसे हम IUGR बोलते हैं, मतलब बच्चे की ग्रोथ बहुत ही कम हो, प्लस सोनोग्राफी में ब्लड फ्लो में भी चेंजेस आ रहे हों, तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं प्रेफर करनी चाहिए, फिर उसको सीजरन की तरफ ही जाना चाहिए, वरना बच्चे की धड़कन नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी कम हो जाती है, फिर इमरजेंसी सीजरन लेना पड़ता है। तो ऐसे में हम पहले से प्लान करके सीजरन की तरफ जा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि मदर में क्या क्या स्थितियाँ हो जो हमें पहले से ही प्लान कर सकते हैं सीजरन, हमें कि मदर में ये कंडीशन है तो हम पहले से ही प्लान कर लें। मदर की कुछ मेडिकल कंडीशंस होती है, जैसे कि उसको कोई सीवियर हार्ट डिजीज हो, एडवांस हार्ट डिजीज हो, जिसमें कि वो नॉर्मल लेबर का दर्द नहीं सहन कर सकती, तो हमें पहले से ही प्लान कर ले कि इसमें सीजरन होगा। या मदर का अनकंट्रोल BP चल रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो हम प्लान कर ले कि भाई इसका हमें सीजरन करना पड़ेगा। या माँ का पहले कोई सर्जरी हुआ है, माँ का बच्चादानी का कोई सर्जरी हुआ है, मतलब माँ में कोई पहले सीजरन हुआ है, एक सीजरन के बाद हम नॉर्मल डिलीवरी फिर भी देखते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ कुछ कंडीशंस होती है कि उसका पहला सीजरन कब हुआ है, कितने साल पहले हुआ था, या उसका क्या इंडिकेशन था, उस टाइम बच्चे का वेट क्या था, अब स्कार थिकनेस कितना, ये सब देखने के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी डिसाइड की जाती है। वरना अगर किसी का दो बार सीजरन हो चुका है
या पहले कोई मायमेक्टी में मतलब बच्चादानी का कोई गांठ का ऑपरेशन हो चुका है, वो किस पार्ट पे हुआ है, ये इन सब में मोस्टली सीजरन ही प्लान करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई नहीं करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि हम प्लान सीजरन किन किन चीज़ों में कर सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि इमरजेंसी सीजरन सेक्शन किन किन परिस्थितियों में करना पड़ता है। मतलब हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे थे पेशेंट का, लेकिन हमें अचानक से अब सीजरन करना पड़ेगा, लेकिन वो क्या क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहले कंडीशन मोस्ट कॉमन देखते हैं कि बच्चे में क्या क्या कंडीशंस होती है। अगर बच्चे की हार्ट बीट एकदम से कम हो गई है या बहुत तेज़ चलने लगी है, तो ऐसे में हमें तुरंत इमरजेंसी सीजरन लेना होता है, वरना बच्चा पेट में ही ख़त्म हो सकता है। दूसरा मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है कि बच्चे ने अंदर पेट में ही लैटरिंग कर दी है, मतलब पोटी कर दिया है। अगर बच्चा पोटी कर देता है और लेबर अभी लग रहा है कि डिलीवरी होने में अभी टाइम लगेगा, तो हमें तुरंत सीजरन करना होता है, वरना बच्चे की जान को खतरा होता है। अगला इंडिकेशन होता है कि माँ को हम नॉर्मल डिलीवरी का दर्द दे रहे थे, दवाइयाँ हमने स्टार्ट की, कुछ इंजेक्शन स्टार्ट की, कुछ वेजाइनल दवाइयाँ देते हैं उनसे स्टार्ट की, लेकिन माँ को दर्द नहीं आ रहे हैं, या माँ को दर्द तो आ रही है लेकिन नीचे का रास्ता नहीं खुल रहा है, उसको हम नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर बोलते हैं, मतलब प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है लेबर, ऐसे में हमें सीजरन करना पड़ेगा। अगला कंडीशंस क्या होती है कि किस में हमें और करना पड़ सकता है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, मतलब नीचे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर मतलब बच्चा है वो नहीं निकल पा रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, तो ऐसे में भी हमें इमरजेंसी सीजन करना पड़ता है, वरना बच्चादानी फटने का डर, बच्चे की जान जाने का खतरा, माँ को खतरा, ये सब खतरे रहते हैं। तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी की तरफ रोक कर हमें तुरंत सीजरन करना पड़ता है। अगला एक मोस्ट कॉमन इंडिकेशन होता है कि जो अवलनाल होती है उसने अपनी जगह से सेपरेट हो गई है, जिसे हम अब्रप्शियो प्लेसेंटा कहते हैं। अगर वो सेपरेट हो गई और डिलीवरी होने में अब टाइम लग रहा है, तो हमें तुरंत सीजरन करना पड़ेगा, वरना अंदर ब्लीडिंग इकट्ठी होती जाती है, ऐसे में माँ और बच्चे दोनों को खतरा रहता है, इसलिए हमें इमरजेंसी सीजरन करना पड़ता है। अगला इंडिकेशंस कई बार क्या होता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी का ट्राई कर रहे थे, कोड प्रोलैप्स, कोड जो बच्चे की कोड होती है जिससे बच्चे को न्यूट्रिशन पहुंचता है, वो बाहर आ गई है वेजाइना में, ऐसे में हमें तुरंत इमरजेंसी सीजरन करना पड़ता है, वरना बच्चा तुरंत ख़त्म हो जाता है। तो अब तक हमने चर्चा करी कि भाई किस किस परिस्थितियों में इमरजेंसी सीजन करना पड़ता है और किन किन परिस्थितियों में हमें इलेक्टिव सीजन करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में हमने ये सब चर्चा करी। अगर आपको हमारा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और अगर आपने हमारा वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।